हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे रणा मूवी की, और सबसे अच्छी बात ये कि भी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और वो कहाँ मिलेगी वो आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर देना अपने कॉन्टेक्ट में, व्हाट्सएप पे जितना भी हो सके अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। 2018 में आई मूवी जिसका नाम है टगारू। ये मूवी की बात करो तो ये मूवी एक एक्शन मूवी, और ये मूवी सिर्फ और सिर्फ मार्स ऑडियंस को नजर में रख के बनाई गई है। इसमें हमें नजर आते हैं शिवराज कुमार सर, उसके अलावा धनंजय, वशिष्ठा, देवराज और एक छोटे से रोल में अच्युत कुमार। अच्युत कुमार के बारे में तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई वो हर एक फिल्म में होते ही होते हैं, कुछ अगर स्कोप नहीं भी हो तो उनको फिल्म में लिया जाता है। हर इस फिल्म में भी वो हमें नजर आते हैं एक छोटे से कैमियो वाले रोल में। खैर इस मूवी की बात करो तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सूरी सर ने। जिन लोगों को नहीं पता कि सूरी सर कौन है तो मैं आपको बता दूं, सूरी सर कनाडा सिनेमा के वो नगीन है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। और मैं तो बोलूंगा कनाडा ऑडियंस के लिए सूरी सर एक गिफ्ट से कम नहीं, क्योंकि उनकी जो फिल्में होती है भले कुछ डार्क होती है लेकिन वो फिल्में जिस तरह से डायरेक्ट करते हैं, एक छोटी सी मामूली सी कहानी को भी वो एक यूनिक और मास्टरपीस बनाने का दम रखते हैं। और वाकई में इस फिल्म की बात करो तो ये फिल्म की भी कहानी गैंगस्टर और पुलिस वालों की है, लेकिन जिस तरह से सूरी सर ने इस पूरी फिल्म को बनाया है, फिल्म के असली हीरो सूरी सर है, क्योंकि सूरी सर ने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया और स्क्रीन प्ले भी उनका ही है। लेकिन एक और जो इस फिल्म के हीरो है वो है चरण राज, यानी कि जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर है। मैं बता दूं इस फिल्म की जो म्यूजिक है, मैंने ऐसी अपनी लाइफ की बहुत कम फिल्म होगी जिसकी जो म्यूजिक है वो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके जहन में रहती है। और अभी तक मैं समझ लूँ कि कल मैंने ये फिल्म देखा था, लेकिन कल से आज तक वो जो उसका वीडियो सॉन्ग एक जिसमें हमें शिवराज कुमार सर नजर आते हैं वो मैंने इतनी बार देख चुका हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। भले उसके वर्डिंग्स मुझे समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह से उस पर म्यूजिक और शिवराज सर का जो परफॉर्मेंस है उस पर, वह मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और सब मतलब ये फिल्म के बारे में आई थिंक मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आप लोगों ने कनाडा सिनेमा की केजीएफ मूवी देखी है, केजीएफ मूवी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ अगर आपको केजीएफ मूवी अच्छी लगी तो कनाडा सिनेमा की इस फिल्म को भी जरूर देखते हैं। इसका नाम है टगारू। ये मूवी अफसोस मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत ही बैड लक कि ये मूवी हिंदी ऑडियंस को देख नहीं पाया, यानी कि थिएटर में हिंदी में रिलीज नहीं हुई। खैर इस फिल्म की बात करो तो इस फिल्म में अगर आप स्टार्ट से इंटरवल तक देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हर एक सीन अधूरे से, लेकिन वही इस फिल्म का एक बोलते ना त्रुप का इक्का। क्योंकि सच बताओ तो मैं जब फिल्म देख रहा था मैं तो ये सब चीजें कैसे होगी, फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये तो सूरी सर की मूवी है, इसमें कुछ तो अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वैसे होता तो जैसे फिल्म आगे बढ़ते रहती वैसे हर एक चीज आपको समझ में आती, हाँ यार ये चीज इसलिए हुई थी, ये इसलिए तो सब चीज आपके सामने मतलब जितने भी पत्ते वो पूरे पत्ते धीरे 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 खुलने लगते। और ये फिल्म एक मास्टरपीस मैं बोलूंगा, क्योंकि हर एक लिहाज से ये फिल्म बहुत जबरदस्त है, चाहे इस फिल्म के एक्शन हो, चाहे इस फिल्म के डायलॉग्स हो। वो जो मैं कहना भूल गया, इस फिल्म के अगर आप कन्नड़ वर्जन में देखोगे तो आपको डायलॉग समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप हिंदी ऑडियंस हो, लेकिन अगर आप इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन देखोगे तो भाई आपको समझ में आएंगे। ऐसे ऐसे डायलॉग है जिस पर आपको हंसी भी आती है, और एक मतलब यूनिक तरीके के अलग तरीके के डायलॉग है जो मतलब स्पेशली जो शिवराज सर ने जो डायलॉग बोले, अरे बाप रे ऐसे ऐसे डायलॉग है बस कहीं और सुनोगे नहीं आप लोग। और धनंजय की जो पागलपन की एक्टिंग है, मैं आपको बता दूं धनंजय एक ऐसा एक्टर है कनाडा सिनेमा का जो फ्यूचर ऑफ कनाडा सिनेमा आप लोग बोल सकते हैं, कि उसकी एक्टिंग इतनी पागलपन की, अगर आपने उनकी पॉपकॉर्न मंकी टाइगर मूवी नहीं देखी है जो ऑब्वियसली सूरी सर ने ही बनाए थे, तो आप लोगों ने कुछ नहीं देखा समझ लिया। और धनंजय मैं बोल रहा हूँ ये एक अलग ही तरह का बंदा है भाई, कभी लाइफ में मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स होते जिसके आप फैन बन जाते हो, तो मेरे लिए पर्सनली धनंजय कुछ उन्हीं लोगों में से जिसका मैं पर्सनली एक बड़ा फैन बन चुका हूँ, क्योंकि उसका जो एक्टिंग करने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल एकदम राउडी किस्म का, एकदम अलग ही समझ लो इंसान। तो कुल मिला के इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा जो मतलब इस फिल्म के लिए बहुत कम हो गई, इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा तारीफ बनती है। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक मसाला एंटरटेनर मूवी देखना पसंद करते जिसमें बहुत जबरदस्त म्यूजिक हो, बहुत जबरदस्त एक्शन हो, डायलॉग की मतलब बारिश हो और एक्शन ऐसे हो मतलब खून खराबे के मर्डर सीन्स हो और दारू सिगरेट मतलब सब कुछ जो एक मसाला एंटरटेनमेंट जो एक गैंगस्टर वाली फिल्म में होना चाहिए वो सब कुछ देखने मिलेगा। प्लस यहाँ पर ऐसा पुलिस वाला जो आप लोगों ने किसी और फिल्म में देखा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वाले को मोस्टली आपने गोली से मारते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो शिवराज कुमार सर जो पुलिस का रोल प्ले कर वो एक ऐसा पुलिस वाला कि वो समझ लो गुंडों की ऐसी हालत कर रहे हैं कि वो लोग पीछे से नहीं बल्कि मुंह से हकना शुरू कर रहे हैं। अब समझ लो किस तरह से पुलिस वाले इस फिल्म में। तो कुल मिला के ये फिल्म आप लोग जरूर देखना जिसका नाम है टगारू। अब मैं बताता हूँ कि ये फिल्म आपको कहाँ मिलेगी। देखिए ये फिल्म आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन ये कनाडा लैंग्वेज में मिलेगी। हाँ यूट्यूब में एक और वर्जन है इसका, हिंदी वर्जन है, जहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट सीन इसके कोलैब करके फिल्म बनाई गई। लेकिन अगर फिर भी आपको ये फिल्म पूरी हिंदी में देखना तो इसका एक ही इलाज है, वो है ये कि आप कहीं से भी जुगाड़ कर लो और
इसका सीडी मंगा लो, हिंदी में मिल जाएगा आपको अवेलेबल स्टोर पे, जो कि मैंने किया था। मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला था, उसने मुझे लाके दिया था इसका हिंदी वर्जन का सीडी। तो मैंने इसको कन्नड़ा में भी देखा, हिंदी में भी देखा, और मैं ट्रू आउट द वे दोनों ही लैंग्वेज में देखा, तो मुझे मजा आई। और मुझे ऐसा लगता कि ये मूवी कुछ उन मूवीज में थी जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था और जो सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फाइनली मैंने तो गलती सुधार लिया, आप लोग भी सुधार लेना और तगारू मूवी जरूर देखना। ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंड।